थप्पड़ फेंका। दारुल उलूम देवबंद द्वारा चलाए गए इस आंदोलन के बारे में सर रोलेट ने लिखा कि ऐसी रणनीति को देखकर ब्रिटिश हुकूमत हक्का बक्का रह गई। दारुल उलूम देवबंद ने भारत के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। उड़ीसा के गवर्नर विशंभर नाथ पांडे के मुताबिक ये मदरसा अपने आप में एक देश था, अगर ये न होता तो भारत कभी आजाद न होता। भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले इस मदरसे के 50,000 से अधिक उलमाओं को अंग्रेजों ने एक साथ फांसी दे दी थी। दारुल उलूम देवबंद को देखने के लिए हर साल लाखों लोग भारत आते हैं, जिससे भारत सरकार करोड़ों रुपए की कमाई करती है। विदेशों से आने वाले लोगों के लिए देवबंद आज भी कौतूहल का विषय है। देवबंद से पढ़कर निकले करोड़ों लोग आज दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। कोई भी देश ऐसा नहीं जहां पर इस मदरसे में पढ़ने वाले लोग मौजूद न हों। भारत में चलने वाले ज्यादातर मदरसों में देवबंद का ही सिलेबस पढ़ाया जाता है। दारुल उलूम देवबंद भारत का अकेला मदरसा है जहां पर हेलीपैड की सुविधा मौजूद है। इस मदरसे में आसानी से हेलीकॉप्टर लैंड कराए जा सकते हैं। दारुल उलूम देवबंद में बनी मस्जिद रशीदिया भारत की सबसे खूबसूरत मस्जिद मानी जाती है। इस मस्जिद को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए। ताजमहल के बाद ये भारत की अकेली इमारत है जिसमें सबसे ज्यादा संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। मस्जिद रशीद को देखने के लिए आज भी दुनिया भर से लोग भारत आते हैं। दुनिया में दारुल उलूम देवबंद के अलावा कोई भी ऐसा संगठन नहीं जो बगैर सरकारी मदद के इतने बड़े स्कूल का संचालन कर ले। दारुल उलूम देवबंद का पूरा खर्च भारत के मुसलमान उठाते हैं। इसे आज तक किसी तरह के सरकारी फंड की जरूरत महसूस नहीं हुई। बहुत कम लोग जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना में दारुल उलूम देवबंद का बड़ा किरदार रहा। इस मदरसे के कई उस्ताद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मजलिसे शूरा में शामिल रहे। मौलाना कासिम नानोतवी की मौत पर सर सैयद अहमद खान ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनके जैसा आलिम अब दोबारा भारत में पैदा न होगा। दारुल उलूम देवबंद की जब स्थापना हुई तब इसमें कोई पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन आज उसी देवबंद में पढ़ने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। देवबंद आज सिर्फ एक मदरसा ही नहीं भारत की पहचान बन चुका है। इस मदरसे ने हर दौर में भारत के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। भारत को जब भी जरूरत पड़ी दारुल उलूम देवबंद हमेशा सीना ताने खड़ा रहा। दारुल उलूम देवबंद भारत के मुसलमानों की आन बान और शान माना जाता है। मुसलमान इसकी हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।